बोलिए खातू नरेश की। खाटू का नरेश है, अहलवती का लाल है, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। खाटू का नरेश है, अहलवती का लाल है, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। राजस्थान के सीकर में मंदिर ये महान है, श्याम धड़ी यहाँ बैठे हैं, भारत माँ की शान है। कैसे प्रगटे बाबा यहाँ, गाथा परम सुहानी है, ध्यान लगा कर सुन लेना, भक्तों तुम्हें सुनानी है। द्वापर युग की बात है, महाभारत का काल है, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। कौरवों से बचकर पांडव वन वन मारे फिरते थे, वनवासी का रूप बनाकर वनों में राब करते थे। वहाँ हिडिंबा राक्षस का हृदय भीम पे आया था, दोनों ने वनवास में रहकर भक्तों प्यार रचाया था। उन दोनों का पुत्र हुआ घटोत्कच फिर नाम है, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। घटोत्कच ने मूर दैत्य की कन्या को अपनाया था, दोनों ने मिलकर भक्तों गंधर्व विवाह रचाया था। उन दोनों ने भक्तों फिर पुत्र अनोखा पाया था, शेर के जैसे बाल थे उसके, बर्बरीक कहलाया था। बचपन से ही बर्बरीक योद्धा बड़ा कमाल है, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। पहलवती ने बेटे को युद्ध कला सिखलाई थी, युद्ध के कौशल की शक्ति काना से भी पाई थी। दुर्गा माँ का बालक ने तप घन घोर कराया है, महाशक्ति माँ दुर्गा से तीन बाण को पाया है। धनुष दिया था अग्नि ने, बल जिसका अपार है, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। घटोत्कच के लाल हैं, भीम के पौत्र कहाए हैं, तीन बाण को धार के वीर बलि कहलाए हैं। महाभारत का युद्ध फिर आरंभ होने आया है, मैं भी युद्ध लड़ने जाऊं उनके मन में समाया है। मैया से जाकर बोले मन आया विचार है,
कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाण पधारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। किसका साथ दोगे तुम, क्या तुमने विचारा है? हारे का मैं साथ दूं, मैंने मन में विचारा है। माँ ने आशीर्वाद दिया, लीले पेड़ लगाई थी, तीन बाणों को धार लिया, धनुष लिया तो उठाई थी। कुरुक्षेत्र को चल पड़े, हो रही जय जयकार, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाण पधारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। कृष्ण कन्हैया जान गए, वीर लड़ने आते हैं, हारे का तो वीर बलि सहारा बन जाते हैं। अगर ये लड़ने आए तो पांडव जीत न पाएंगे, इन्हें रोकने की कान्हा भक्तों जुगत लड़ाएंगे। ब्राह्मण का फिर रूप धरा, कान्हा लीला धार, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाण पधारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। बर्बरीक जहाँ से आते, काना वहाँ जाते हैं, बूढ़ा ब्राह्मण बन करके मार्ग लेट जाते हैं। बर्बरीक ने देखा तो फिर लीले को रोक लिया, कौन हो यहाँ क्यों लेटे हो, ब्राह्मण से फिर पूछ लिया। बूढ़े ब्राह्मण को बलि करते नमस्कार, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाण पधारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। ब्राह्मण के फिर पूछने पर वीर बलि बतलाते हैं, महाभारत हम लड़ने को कुरुक्षेत्र को जाते हैं। तीन बाण को धर करके युद्ध नहीं लड़ पाओगे, वहाँ बलि है महाबली, उनसे जीत न पाओगे। मेरे तीन बाणों में शक्ति अपरंपार है, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाण पधारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। इन बाणों की शक्ति को मुझको भी दिखलाओ तुम, एक बाण को मार के पत्ते बींद दिखाओ तुम। एक पत्ते को कान्हा ने पैरों तले दबाया था, सारे पत्ते बींद के बाण वहां पे आया था। अपना परिचय बतलाओ, कैसा चमत्कार है, कलयुग साचा देव है, ये भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाण पधारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। बर्बरीक आवाहन पर काना रूप दिखाए थे, अपने गुरु के चरणों में बलि ने शीश नवाए थे।
मैंने तुम्हें थी शिक्षा दी, गुरु दक्षिणा दे देना, मेरे चरणों में अपना शीश दान में रख देना। पल भर को ना देर करी, हाथ धरी तलवार है, कलयुग साचा देव है, भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। अपने हाथों अपना ही शीश वीर ने काट दिया, अपने गुरु फिर कान्हा के चरणों में चढ़ा दिया। खुश होकर फिर कान्हा ने वीर को ये वरदान दिया, बरबरीक को कान्हा ने भक्तों अपना नाम दिया। कलयुग में तुमको कहें मेरा ही अवतार है, कलयुग साचा देव है, ये भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। कटे शीश ने कान्हा से भक्तों ये वरदान लिया, महाभारत का युद्ध देखूं ऐसा फिर आह्वान किया। पूरे 18 दिन भक्तों युद्ध उन्होंने देखा था, फिर वो अंतर ध्यान हुए, दृश्य बड़ा अनोखा था। कलयुग भक्तों आ गया, बड़ा पाप व्यापार है, कलयुग साचा देव है, ये भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। सीकर की पहाड़ी पर चरवाहा एक आया था, गैया दूध झराती थी, वो अचरज में आया था। उस जगह को खुदवाया, पावन शीश को पाया था, उसको फिर स्थापित कर मंदिर वहां बनाया था। खाटू वाले श्याम की जग में जय जयकार है, कलयुग साचा देव है, ये भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो नमो, बाबा उपकारी नमो नमो। खाटू वाले मंदिर में भक्त लाखों आते हैं, हाथों में निशान लेके जय जयकार लगाते हैं। खीर चूरमा भोग को हाथों से खिलाते हैं, आरती चालीसा गा कर चंदन तिलक लगाते हैं। जिसने श्याम का नाम लिया उसका बेड़ा पार है, कलयुग साचा देव है, ये भक्तों का प्रतिपाल है। श्याम बिहारी नमो नमो, कृष्ण अवतारी नमो नमो, बाणों का धारी नमो।